हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं दुआए रहीम, शोएब मंसूर, माहिरा खान इसमें है, और सॉरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है शोएब मंसूर, इसमें स्टार कर रही है माहिरा खान, सिंगर्स है दामिया फारूक, शहनाज और महक अली। सो म्यूजिक दिया है खावर जावर ने। तो यस, आज रमज़ान का पहला दिन है आप लोगों के लिए, तो रमज़ान की बहुत सारी बधाई आप लोगों को। जो ऑफिशियल रमज़ान का कलाम है 2020 का, जो अभी डिजिटल पर रिलीज होगा, आज रात को होगा, तो मैं इसका रिएक्शन मंडे को दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस गाने पे रिएक्ट करते हैं, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग है। तो आप लोगों के लिए ये रहा मेरा रिएक्शन। इन 3, 2, 1 गो। सैतालीस के बंटवारे से काफी पहले का जमाना है। इकबाल की नज़्म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी है, लेकिन ब्याह शादियों में गाने वालियों ने उस नज़्म पर खुद तब आजमाई की है और उसे बच्चों की दुआ से दुल्हन की दुआ में बदल दिया है। कजरी बेगम शुरू कीजिए। अजी पहले दुल्हन की अम्मा को तो बिठाइए ना दुल्हन के साथ। लपे आवे है, लपे आवे है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आवे है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी अम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी अम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरा सीरत की शिकायत करना, उनकी सूरत की ना सीरत की शिकायत करना, अगर उनके भटक अंधेरा हो जावे, अगर उनके भटक अंधेरा हो जावे, नेकियां मेरी चमकने से उजाला हो जावे, तो करूँ शुक्र के जूता ना हुआ, तो करूँ शुक्र के जूता ना हुआ, मेरा काम नसीबों की मलामत करना, मेरा काम नसीबों की मलामत करना, बीबियों को नहीं, बीबियों को नहीं बावे है बगावत करना, ये कैसी होलनाक दुआएं कर रही हैं आप? हमारी दुआ हम खुद करें। हमारे साथ गाइए और जरा जमा के लगाइएगा कहरो। लपे आती है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
जरूरी मैसेज है ये, क्योंकि चाहे कितना भी यू नो ये चीज जितने बार भी दिखाए उतना कम है, क्योंकि ये चीज अभी भी हो रही है हर जगह। और मतलब पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पे भी बोलो, वुमेन एम्पावरमेंट के अभी भी नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से हम लोगों को मिली नहीं है, औरतों को मिली नहीं है। वो जो जगह, वो जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, वो अभी तक उस जगह नहीं पहुँचे हैं। इसलिए हर बार एक मैसेज दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप देखें देवी जैसा जो शॉर्ट फिल्म है, सो पावरफुल, ये गाना जो कि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज सबके सामने लाता है, दीज सॉन्ग्स, दीज शॉर्ट फिल्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। लोगों को जानने की जरूरत है, लोगों को ये रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और वो इक्वालिटी जो लड़कियों को मिलनी चाहिए, नॉट फेक फेमिनिज्म, द रियल फेमिनिज्म, टॉकिंग अबाउट द फीमेल एम्पावरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट इट नीड्स टू बी। पहले जब शुरुआत हुई आई थॉट दिस वाज लाइक अ स्वीट सॉन्ग, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो बढ़ता गया, इससे पता चलता है कि सिर्फ मर्दों की नहीं, कुछ औरतें भी हैं हमारे जनरेशन में जिनकी सोच पुरानी है, जिनको लगता है कि अभी भी यू नो हमको सबॉर्डिनेट्स बन के रखना चाहिए, जो मर्द कहे वही ठीक है, हस्बैंड इज एवरीथिंग, लाइक अपना रिस्पेक्ट, अपना मान सम्मान सब हटा के वो जो कहे वही हम करना चाहिए। दिस इज नॉट राइट, यू नो प्यार जो होता है, जो शादी होती है, वो दो लोगों का बंधन होता है, दोनों इक्वल बेसिस पे होते हैं, कोई भी ऊपर कोई नीचे नहीं होता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो लोगों को जानने की जरूरत है। अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका मान सम्मान सामने से कुचल के चले जा रहे हैं, लेकिन देन आप नहीं उसको सह सकते। इनजस्टिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, दैट्स द मेन थिंग। ब्यूटिफुल मैसेज, ब्यूटिफुल वीडियो, रियली लाइक इट, बहुत ही सटल था, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुरीले तरीके से इसको पेश किया गया है। मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ पहले कि कुछ मोमेंट्स पे, पर उसके बाद व्हेन माहिरा स्टार्टेड सिंगिंग एवरीथिंग वेंट राइट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अस दिस मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, वेरी पावरफुल मैसेज, और सबको जानने की बहुत जरूरत है। थैंक यू गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे तरह इस गाने को एंजॉय किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, इनसे कमेंट डालना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार बांटिए। आप लोगों को वापस रमज़ान की ढेर सारी बधाइयाँ, और क्या शेयर करते रहिए ढेर सारा प्यार, तब तक के लिए चाओ।